वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज वाहिगुरु जी की कृपा नाल अकाल अकैडमी वशोआ के विद्यार्थी नौजवान साढ़े को बच्चे पहुँचे ने, जिहड़े आप गुरु साहब के दर्शन करते पे ने, अखर अखर बाणी का बाणी पढ़ के ते गुरु दे लड़ लग रहे हैं, जिते दुनियावी विद्या लै रहे हैं उत्थे अध्यात्मक विद्या लै के समाज में चंगी सिरजना अपना ते अपने परिवार का जिते बचा करेंगे तो समाज में भी भले पासे लैके जाएंगे। जे डॉक्टर इंजीनियर IPS PCS बनेंगे तो इन्हां दे वर्ड लगा होगा गुरसिख डॉक्टर, गुरसिख इंजीनियर, क्योंकि गुरु की सिक्ख्या लै रहे हैं और इन्हां दा मुख गुरु वल है। सो आओ आपां इन्हां बच्चों के नाल इन्हां दे विचार सांझे सुनीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडा नाम? मेरा नाम गुरु साहिब सिंह है। गुरु साहिब सिंह जी किवां सहज पाठ तुहाडा? मेरा जी दूसरा दो सहज पाठ समाप्ति हो गई उन्होंने, तो तीसरा सहज पाठ आरंभ किया है। आरंभ किया है, वाहिगुरु जी की बख्शिश है। कि क्लास में शुरू किया बेटे? मैं जी ये 7वीं क्लास तो शुरू किया, हूँ मैं 9वीं च। 9वीं हो गए हो बेटे। सहज पाठ के नाल तुहाडे विच तुसी अपने आप में बदलाव थोड़ा बहुत देखा हो जरूर दसो भी तुहाडे सुभाव विच जां तुहाडे परिवार विच की बदलाव आया? हाँ जी जी बहुत बदलाव आया, जो हूँ मैं सहज पाठ करता हूँ मैं प्यार ना जी पढ़ा तो मन शांति मिलती है, स्ट्रैस घटता है। स्ट्रैस घट? हाँ पढ़ाई में मन लगता है ज़्यादा। हाँ पढ़ाई में मन लगना शुरू, बिल्कुल सही गल है जी। स्ट्रैस जिहड़ा ना वो दूर हुंदा है, वो क्यों दूर हुंदा है? क्योंकि गुरु महाराज की बाणी ही स्ट्रैस नूं दूर करन वास्ते है। जिहड़े साडा माइंड जिहड़ा स्टेबल हो जाता है, एकाग्र हुंदा मन, तो जे एकाग्र होएगा तो सानूं जिहड़ी दुविधा वो नहीं रहेगी। पुत्र तुहाडा नाम? शहबाज सिंह। शहबाज सिंह जी तुहाडा किन्ना सहज पाठ है? चौथा। चौथा सहज पाठ है? तीन सहज पाठ पूरे कर ले तो चौथा चलता पाया। शाबाश मेरे पुत्र। तो तुसीं दसो बेटे घर परिवार विच की बदलाव आया सहज पाठ दी पुस्तक लैके जाण तों बाद? जी सारिआं नूं शांति मिलदी दिन नूं जदों पाठ करीदा, उस तों बाद पढ़ाई विच वी मन लगण लग पैंदा, ते कोई मतलब लड़ाई झगड़े दा जी नहीं करदा किसे नाल लड़ना। हाँ सभे सांझी वाहिद सदायन कोई ना दिसै बारा जीओ। तो गुरु साहब जी ये गल समझा देंदे है कि गुरमिल चज अचार सिख, जीवन का चज ते अचार सिखा देंदे ने, ठीक है ना। तो मारे कहते हैं बिसर गई सब तात पराई जबते साध संगत मोहे पाई। तो पुत्र सब तो पहले पोथी घर कौन लैके गया सी? पहला मैं लै गया। तुम लैके गए थे, हूँ घर होर भी कोई सहज पाठ करता? हाँ जी। कौन कौन सहज पाठ करता? सारे करते। तो तुम साझे करते हो पाठ के जा? नहीं सारे वक् वक् वक्ो वक्रा करते हैं, आपो अपना आनंद लेंगे ने। हाँ जी शाबाश। देखो जी दीवे तो दीवा जगदा, इस बेटे ने महाराज की कृपा नाल करे घर घर अंदर धर्मसाल। धर्मसाल किदा बन गया? जो कीर्त होवे कीर्तन सदा वसोआ। कीर्तन किनूं कहिंदे ने? तन दे नाल कीती हुई परमात्मा की उस्तत, वह की हो गया कीर्तन। तो हर कीर्तन सुना है, हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। बेटे तुहाडा नाम? गुरलाल सिंह। गुरलाल सिंह जी किहड़ी क्लास पढ़ते हो? 7th A। 7th A किनवा सहज पाठ तुहाडा? 6वां। 6वां सहज पाठ है। सत्तवीं क्लास भी पढ़ते हो तो 6वां सहज पाठ है। तो किहड़ी क्लास शुरू किया सी? मैं 3rd क्लास जी। 3rd क्लास विच श्री नत्थू राम जी ने भी 3rd क्लास में सहज पाठ शुरू किया, जिहड़े कि प्रोफेसर साहब सिंह जी बन गए, व्याकरण के उत्ते किताबां लिखियां जिहड़ियां कि वर्ल्ड वाइड उन्होंने चलिया। इन्ने गरीब सी भी 5वीं क्लास चों हट गए, पर इन्ने अमीर हो गए अंदरों ते बाहरों। अंदरों इन्ने अमीर हो गए भी व्याकरण के किताबां लिखियां, बाहरों इन्ने अमीर हो गए सहज पाठ करते करते भी एशिया का सब तो वड्डा अखां दा डाक्टर उन्होंने बेटा बनया, डॉक्टर दलजीत सिंह आई स्पैशलिस्ट, ठीक है। उन्हें दोतरी जी है वो डॉक्टर हरशिंदर कौर जी पटियाले तो। तो तुम भी बेटे श्री नत्थू राम जी जे प्रोफेसर साहब सिंह जी बन गए, उन्होंने भी 3री क्लास से सहज पाठ शुरू किया, वाहगुरु की कृपा नाल हौली हौली अगे वधदे गए। तो पुत्र तुम दसो कि सहज पाठ का तुम अपना अनुभव दसो भी की महसूस करते हो सहज पाठ का? मैं सहज पढ़ना मेरे दिल से शांति होती है, पढ़ाई पढ़ाई में मैं बहुत वधिया हुंदा, ते मेरे सारे घर के भी पाठ करते हैं। कौन कौन करता घर विचों? मेरा भरा मम्मा तो पापा तो मैं। अच्छा ये भी करते ने? वाह जी वाह, तुहाडे ब्रदर ने? वाह जी वाह, तुसी भागा वाले हो जी। छोटा वीर जिहड़ा वा वो चौथी तीजी क्लास तो सहज पाठ कर रहा है, यह बड़ी वड्डी गल बेटे, हुण नहीं तुहानू पता लगना। वो कहिंदे ने सियाणे दा खाधा ते औले दा, सियाणे दा किया ते औले दा खाधा पता लगता बाद विच। ते बहुत वधिया। तुहाडा नाम पुत्र? गुरनूर सिंह। गुरनूर सिंह किनवीं किहड़ी क्लास विच पढ़दे? 10th क्लास। किनवा सहज पाठ है? तीजा। तीजा, दो पूरे कर ले ते हुण तीसरा शुरू कीता होया, शाबाश। तो तुसी दसो सहज पाठ का अपना कोई परसनल अनुभव, कोई घटना वापरी हो जिंदगी च? मैं जो सहज पाठ करके हटदा उदो फिर मैं मन में तंदुरुस्ती जी आ जाती, उस तो बाद जो काम करता हूँ खुशी खुशी से बहुत जल्दी काम हो जाता सहज पाठ। हाँ तो घर के भी खुश होंगे? हाँ जी। अध्यापक भी खुश, तो घर के भी खुश, तो मन भी लगता कामों में। तुहाडा नाम मेरे पुत्र? अनमोल सिंह। अनमोल सिंह जी मेरे पुत्र, तुहाडा दसो किन्ना सहज पाठ है? मेरा दो कर ले, तीसरा अजे करना। तो कोई सहज पाठ के सुभाव विच बदलाव चेंज देखे हो तुसीं? क्योंकि हारमोन चेंज होंदे ने ना जदों, ये टीन एज है तो ये ऑटोमैटिकली साडे हारमोन चेंज होंदे ने, तो साडा सुभाव विच बदलाव आंदा है, कि जिन्ना भी हो जाता है कि मेरा कोई आके नहीं लगता। तो फिर इदां दा दसो भी तुसीं की महसूस करते हो भी बाणी पढ़ के, तो तुसीं की महसूस किया? मतलब कि सा जिदा खुशी आँदी है,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣੀ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕੁਦ ਤੁਦ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ। ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪੜ ਅਨੁਭਵ ਪਰਸਨਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।